अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, आज मैं गुजरात की एक बहुत ही अजीम बारगाह की आपको ज़्यारत करवाने वाला हूँ। इस वक्त मैं गुजरात के किम कोठवा में हूँ, और जैसा कि आपको बता दूँ, किम में एक बहुत ही मशहूर अल्लाह के वली की बारगाह है। तो आज मैं किम आया हूँ, और मैं इस वक्त किम रेलवे स्टेशन पर हूँ, और यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर वो दरगाह वाक़ है, जिसे हजरत 52 गज शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। और ये दरगाह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है। आपको बता दें कि वो हजरत मखदूम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो दरगाह है, और बताया जाता है कि उसमें कमोवेश 468 या 470 शहीद दफन हैं, जिसकी वजह से वो दरगाह इतनी लंबी बनी है। तो माशाल्लाह, इस वक्त हम किम के स्टेशन पर हैं, तो चलिए चल करके आपको पहुँच करके उस बारगाह की ज़ियारत करवाते हैं, और ख़ुद भी उस बारगाह से ज़ियारत का सर्फ हासिल करते हैं। नाज़रीन, ये किम स्टेशन है, आप देख सकते हैं, अहमदाबाद और सूरत के बीच में पड़ता है किम स्टेशन। सूरत से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है ये किम स्टेशन। नाज़रीन, इस वक्त हम स्टेशन से हजरत मखदूम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह के करीब आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए ऑटो रिक्शा किया हम लोगों ने, और उसने तकरीबन 20 रुपये लिए हैं यहाँ तक आने के। और माशाल्लाह, देखिए हजरत मखदूम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर कितना बड़ा सहन बना हुआ है, और ये एक शहीद की बारगाह है। माशाल्लाह, बताया जाता है कि आप ये दरगाह जो है वो बहुत बड़ी है, लंबी है, जिसे 52 गज का लकब मिला, और 52 गज की भी है। अभी हम अंदर चल करके आपको उस बारगाह की भी ज़ियारत करवाएंगे, और दिखाएंगे कि माशाल्लाह क्या खूबसूरत मनाजिर हैं इस आस्थाने के। और आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। आपके आस्थाने का शहन बहुत बड़ा है, देखिए हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो हम आपको अंदर चल के ज़ियारत कराएँगे, और ये रोज़ा अकदस है आपका, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रोज़ा अकदस है ये हजरत मखदूम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। कहा जाता है कि इस 52 गज दरगाह में 468 शहीद दफन हैं, और जिनके सरदार हजरत सैयद जलालुद्दीन मखदूम शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जो कि बुखारा से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, और इसी मुकाम पर इन सभी शहीदों ने शहादत के जाम को नोश फरमाया। माशाल्लाह, मैंने आपको जैसे पहला भी बताया है कि शहीद की बारगाह में की गई दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, इनके वसीले से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसी के सबब देखिए आज यहाँ पर कितने ज़ायरीनों का हुजूम है माशाल्लाह, और आस्थाने का सहन इतना बड़ा है कि माशाल्लाह मुझे नहीं लगता अभी किसी भी खानकाह में इतना बड़ा आस्थाने में सहन होगा। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बारगाह है ये, अभी हम आपको अंदर से भी चलकर इस बारगाह की ज़ियारत करवाएँगे। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत मनाजिर हैं दोस्तों। ये किम कोठवा जो है सूरत और अहमदाबाद के बीच में पड़ता है, किम में एक रेलवे स्टेशन भी है, उसी से आप आसानी के साथ इस दरगाह में आ सकते हैं। स्टेशन से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह आस्थाना वाक़ है। माशाल्लाह, आप देखिए क्या खूबसूरत मनाजिर हैं इस आस्थाने पर। माशाल्लाह, नाज़रीन इस वक्त हम किम कोठवा में हैं, और किम कोठवा की मशहूर मारूफ दरगाह 52 गज दरगाह पर हम लोग इस समय हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, चलिए आपको अंदर चल के उस दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं, जो कि 52 गज की बनी हुई है। साइड से नज़ारा है, अंदर आपकी दरगाह बनी हुई है, कबूल पेशी वगैरह पेश हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए माशाल्लाह, अभी हम चलते ही जा रहे हैं, लेकिन दरगाह ख़त्म नहीं हो रही है, और मैं अभी आपको पास से भी ज़ियारत करवाता हूँ। देखिए वहाँ से शुरू हो रही है, उसके बाद वहाँ से शुरू होते 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 और ये चलती जा रही है, और ये वहाँ पर इसका डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है,
इंशाल्लाह अभी हम सिरहाने से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और फिर आपको वहाँ से पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करिए हजरत मखदूम शहीद और बावन गज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस दरगाह की। पीछे थोड़ा सा, और ये बाबा के आस्थाने पर चादर पेश की जाती हुई बावन गज की, माशाल्लाह। जिस किसी की भी मन्नत इस बारगाह में पूरी होती है वो इसी तरह से चादर चढ़ाते हैं, और बेशक शहीदों की बारगाह में किसी की दुआ नहीं होती। माशाल्लाह देखिए क्या खूबसूरत मनाजिर है। तो नाज़रीन इस वक्त हम आपको हजरत मखदूम शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिरहाने से आपके बारगाह की वो लंबाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी लंबी बारगाह है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो चलिए मैं आपको इसको चारों तरफ से इस बारगाह की ज़ियारत करवाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बहुत चादरें आपके आस्थाने पर चढ़ी हुई हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आपके आस्थाने पर हाज़िरी देकर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। तो देखिए मैं अभी चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और मैं आपको अभी सामने से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आपके इस बारगाह के ऊपर छत नहीं बनी हुई है लेकिन आपके सिरहाने पर एक गुंबद ज़रूर बना हुआ है और कहा यह जाता है कि इसमें बहुत से शहीदों की बारगाह है, इसकी वजह से ही ये दरगाह इतनी लंबी हो गई है। तो माशाल्लाह अभी हम डेस्टिनेशन पॉइंट पर आ गए हैं और सबसे आखिर में हम आ गए हैं। यहीं से हम आपको सिरहाने से दिखाने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह देखिए वो आपका खूबसूरत गुंबद बना हुआ है। इंशाल्लाह मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत गुंबद है। दिल को सुकून आता है अल्लाह के वलियों की ऐसी बारगाह में आकर। तो माशाल्लाह बहुत सुकून है इस आस्थाने पर और यकीनन आप भी यहाँ जब हाजिरी देने आएंगे तो आपको भी बहुत सुकून इख्तियार होगा। माशाल्लाह आपका गुलूब मुनव्वर मुजल्ला हो जाएगा। तो आप ज़ियारत करिए। माशाल्लाह देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। माशाल्लाह तो नाज़रीन ज़ियारत मुकम्मल हो चुकी है और मैं आपको बाहर से भी कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह गुजरात में अल्लाह के बहुत से वलियों के आस्थाने हैं और मैंने टॉप 10 दरगाह गुजरात जो बनाई थी उसमें इस दरगाह को भी शामिल किया था जो कि 52 गज की थी और मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं इस बारगाह में जाऊँ और जाकर के इस बारगाह की ज़ियारत करूँ। माशाल्लाह मुझे उस वक्त से इस बारगाह में आने का एक दिली ख्वाहिश थी जो कि आज पूरी हो गई। बहुत सुकून आया इस आस्थाने पर आकर। तो दोस्तों ये सूरत के किम कोठवा में वाक़ है और आप देख सकते हैं कि ज़ायरीनों की कितनी भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर और ये स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। और नाज़रीन आपने अगर मेरी टॉप 10 दरगाह सीरीज फॉलो नहीं किए तो आप ज़रूर जाएं और टॉप 10 दरगाह सीरीज़ को फॉलो करें। उसमें मैंने कई स्टेट्स की टॉप 10 दरगाहों के बारे में बताने की कोशिश और उन स्टेट्स की जो मशहूर मारूफ बारगाह हैं उनको बताने की कोशिश करी है। उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस वीडियो में बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप अगर आपने हमारी टॉप 10 दरगाह इन गुजरात नहीं देखी है तो उसे जा कर के देखें और उसके बाद और भी स्टेट्स की हमने टॉप 10 दरगाह सीरीज बनाई है। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट दरगाह सीरीज को भी चालू किया है, आप उसे भी फॉलोअप कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो किस किस ने हज़रत मखदूम शहीद बावन गज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पे ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इतना लिया हो तो बात नहीं, 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 नहीं बात हो गई, पूछ के गया था मैं। अच्छा। वो सा, आगे पीछे सब परेशान करने लगे। अच्छा। हमका भाई पूछना किससे, ये बता तू, बताया उनको।